नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जियोग्राफी भाग दो में आज अपने अध्याय पाँच संसाधनों का वर्गीकरण संरक्षण एवं विकास करने जा रहे हैं, जिसमें अपने पढ़ेंगे आज संसाधनों का वर्गीकरण, यानी ये जो संसाधन हैं इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे कि संसाधन हैं जो कितने प्रकार के हैं। ठीक है, संसाधन को अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो उन संसाधनों से अपने परिचित होंगे। तो संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। पहला किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, यानी ये जो संसाधन हैं इन संसाधनों की जो उत्पत्ति हुई, ठीक है, उसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो इसके आधार पर संसाधन हैं जो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैविक संसाधन, ठीक है, और दूसरा होता है अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन क्या होते हैं? जैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका जैव मंडल में निश्चित जीवन चक्र होता है। अजैविक संसाधन वे होते हैं जिनका जैव मंडल में निश्चित जीवन चक्र नहीं होता। इसके बाद में दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। इसकी बात करें तो ऊर्जा, ऊर्जा शक्ति संसाधन, और इसमें दूसरा है गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन, शक्ति संसाधन। ये दो प्रकार के होते हैं, ऊर्जा शक्ति संसाधन और गैर ऊर्जा शक्ति। इसके बाद इनके उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, या इसको समाप्य भी बोलते हैं, समाप्य। दूसरा इसमें है नवीकरणीय, नवीकरणीय, या इसको बोलते हैं असमाप्य संसाधन। नवीकरणीय जिन संसाधनों का आपने उपयोग किया है, पुनः कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, ठीक है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाले, ठीक है। और अनवीकरणीय इन संसाधनों का आपने उपयोग किया है, पुनः नहीं कर सकते, ये समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। नवीकरण का हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो उपयोग के आधार पर क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद चौथा है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तीन प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो व्यक्तिगत, ठीक है, जिन पे स्वामित्व किसका होता है, व्यक्ति का होता है। दूसरा राष्ट्रीय संसाधन, इस पे राष्ट्र का स्वामित्व होता है। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संसाधन, ठीक है, इस पे विश्व का स्वामित्व होता है, ठीक है, विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी का स्वामित्व होता है, स्वामित्व वाले जो संसाधन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, संसाधनों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, उद्देश्य के आधार पर ऊर्जा शक्ति संसाधन, गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन, उपयोग के आधार पर अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये अपने इसका वर्गीकरण किया गया है। अब अपने इसका जो वर्गीकरण है इसका विस्तार से पढ़ेंगे कि जो जनसंख्या, इसका जो संसाधनों का वर्गीकरण है, ठीक है, उसका अपने विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि ये जो संसाधन हैं इन संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो अपने पढ़ेंगे। तो पहले अपने इसमें पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। आज अपने पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है इसमें जैविक संसाधन, जैविक
संसाधन, जैविक संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। जैविक घटकों से संबंधित संसाधन सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? जैविक घटकों से संबंधित संसाधन, जैविक घटकों से संबंधित संसाधन होते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं, जैसे इसमें मानव जैविक संसाधन है, पशु, पक्षी, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हैं, जैविक घटकों से संबंधित संसाधन होते हैं, जैसे मानव है, पशु पक्षी है, प्राकृतिक वनस्पति है, ये इसके उदाहरण हैं। जैविक संसाधनों में प्रजनन क्षमता रखने के कारण, ठीक है, इनमें क्या पाई जाती है? प्रजनन क्षमता। ठीक है, तो इसलिए ये वंश वृद्धि करते हैं। ठीक है, वंश वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इनका वंश चलता रहता है, वंश वृद्धि। ठीक है, वंश वृद्धि है जो इसमें निरंतर रहती है। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? नवीनीकरण अथवा समाप्त न होने वाले संसाधन कहते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नवीनीकरण संसाधन भी कहा जाता है। दूसरा इसमें है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन क्या होते हैं? इस वर्ग में सभी प्रकार के जड़ तथा निर्जीव घटकों से संबंधित संसाधन सम्मिलित होते हैं। सभी प्रकार के जड़ एवं निर्जीव घटक, निर्जीव घटक सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। जैसे इसमें उदाहरण आगे खनिज, भूमि और मिट्टी। ठीक है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं जो इसमें सम्मिलित होती है, अजैविक संसाधन कहलाते हैं। प्रजनन क्षमता नया होने के कारण ये संसाधन अनवीकरण है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अनवीकरणीय। यानी इसमें क्या होती है? प्रजनन क्षमता नहीं होती, वंश वृद्धि नहीं होती। ठीक है, इसलिए समाप्त होने वाले होते हैं। ठीक है, ये असमाप्य होते हैं और ये असमाप्य होते हैं, ये समाप्य। ठीक है, तो ये समाप्त नहीं होने वाले होते हैं क्योंकि इनमें वंश वृद्धि चलती रहती है, और इसमें वंश वृद्धि नहीं होती, प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती, इस वजह से ये क्या होते हैं? समाप्त होने वाले, समाप्य होते हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट कर रहे हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। यानी इसके बाद में अपने पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं, उन संसाधनों पर अपने चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्ति संसाधन। व्यक्ति संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति या परिवार का आधिपत्य होता है। ठीक है, ऐसे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति या परिवार का अधिकार होता है, क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। व्यक्तिगत संसाधन है
कहते हैं। जैसे मकान है, मकान पर हमारा व्यक्तिगत अधिकार होता है। भूमि है, नगदी है और सोना है, स्वर्णाभूषण, इन पे हमारा व्यक्तिगत अधिकार होता है। जैसे मकान है, भूमि है, नगदी स्वर्णाभूषण है। इसके बाद में दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जिन पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। ऐसे संसाधन जिन पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, सौर ऊर्जा, ठीक है, इसके आगे जैसे वन है, जल है, ये जो संसाधन है प्राकृतिक, सौर ऊर्जा, और तकनीकी ज्ञान, इन पे क्या है? राष्ट्र का अधिकार होता है। ऐसे संसाधन जिन पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, जैसे वन है, जल है, सौर ऊर्जा है, तकनीकी ज्ञान है, ये राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तीसरा इसमें है अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पर समस्त विश्व का अधिकार, ऐसे संसाधन जिन पर समस्त विश्व का अधिकार होता है क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संसाधन कहलाते हैं। जैसे विश्व के समस्त भौतिक और जैविक संसाधन, भौतिक और जैविक, इन पे क्या है? पूरे विश्व का अधिकार है। तो ये अपने पढ़े स्वामित्व के आधार पर संसाधन। दो प्यारे बच्चों, आज अपने दो संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा, ठीक है, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा स्वामित्व के आधार पर। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है तो दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, ठीक है, और स्वामित्व के आधार पर संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विश्व संसाधन अपने आज पढ़ा, इसके बाद में अपने दो संसाधनों का वर्गीकरण हो रहा है, वो कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।